यह छोटा सा जीव मच्छर जो देखने में तो डरावना नहीं लगता है पर असलियत में यह कितना खतरनाक है वो आप सोच भी नहीं सकते। जितनी मौतें सार्क की वजह से नहीं होती उससे ज़्यादा यानी 2x दो गुना से भी ज़्यादा इन मच्छरों के वजह से हो जाती है। जब भी आपको मच्छर काटते हैं तो क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि मच्छर ने काटा क्यों हमें और उसके काटने के बाद हमारे स्किन पे खुजली क्यों होने लगी और एक डॉट जैसा क्यों फूल गया। यह सब कोई सवाल आपके दिमाग में आया ही होगा जब भी आपको मच्छर ने काटा होगा। सो आज हम इन्हीं सब सवालों के बारे में जानेंगे, इनकी वजहों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज कुछ नया जान लेते, मैं आशा करता हूँ इससे आपके ज्ञान के इंक्रीज होगा यानी आपका ज्ञान बढ़ेगा। अक्सर लोगों को यह शिकायत करते हुए सुना गया है कि मच्छर अंधेरे में भी उन्हें कैसे काट लेता है, क्या उन्हें दिखाई देता है अंधेरे में भी, या तो फिर जब वो कान के पास घुन घुन आवाज आती है तो उन्हें कैसे पता चलता है कि हमारा कान उसी जगह पे है, अंधेरे में भी उन्हें कैसे पता चलता है। आपने कई लोगों को इसका जवाब देते हुए सुना होगा कि जब उजाला होता है तभी ही मच्छर आपके पूरे शरीर को डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यह जवाब कहीं से भी फिट नहीं बैठता है इस सवाल के ऊपर कि मच्छर हमेशा कान के पास अंधेरे में भी कैसे गुनगुना लेते हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि वहाँ पे हमारा कान है। सो फ्रेंड्स, इसका जवाब बहुत ही सरल है। इसका जवाब यह बनता है कि मच्छर जो हैं हर वक्त अपने पंख फड़फड़ाते रहते हैं, उनके पंख के फड़फड़ाने की स्पीड इतनी ज़्यादा है जिससे वो साउंड प्रोड्यूस होती है और वो साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी कम होती है जो हमारे कान के पास अगर वो आए तो सिर्फ हमारे कान के पर्दे को ही वो सुनाई देती है यानी पता चलती है, महसूस उस कान के पर्दे को ही होती है यदि वो कान के पास आए तब। यही सेम केस मक्खियों के साथ भी होता है, लेकिन मक्खियाँ थोड़ा ज़्यादा तेजी से पंख फड़फड़ाती है और उनके पंख थोड़े बड़े होते हैं तो थोड़ा दूर से भी उनकी आवाज़ पता चल जाती है, पर मच्छर के केस में ये थोड़ा कम होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमको पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं उजाले में, यह बिल्कुल गलत बात है। हम सब इतना तो जानते ही हैं कि मच्छर हमें काटने के लिए डंक चुभाते हैं और यह जो मच्छर होते हैं वो ज़्यादातर मादा मच्छर ही होते हैं और यह मादा मच्छर बहुत ही चालाक होती हैं, इसलिए वह इतना छोटा बाल से भी छोटा डंक हमारे शरीर में चुभाती है कि हमें वो महसूस करने में भी टाइम लग जाता है यानी वो जल्दी से सेंस भी नहीं होता है। लेकिन वह जब डंक चुभाती है तो इंसान के खून में थक्का बनने लगता है जिससे मच्छरों को खून चूसने में दिक्कत आने लगती है। इसका सॉल्यूशन के लिए वो लोग मादा मच्छर हमारे खून में एक विशेष रसायन मिला देती है और यह रसायन कोई अपने लिए हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है, यह रसायन जहरीला ही होता है, बट इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि इंसानों को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। यह केमिकल जिस जगह पे इंजेक्ट होता है तो तुरंत ही हमारा शरीर प्रतिक्रिया देते हुए इस जहर का मुकाबला करने के लिए हिस्टाटिन का स्त्वरण करना शुरू कर देता है हिस्टामिन का स्त्वरण करना शुरू कर देता है जो उस बूंद से भी कम जहर को खत्म कर देती है। लेकिन यह हिस्टामिन नाम का कंपाउंड शरीर में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचा कर उसे प्रोटीन से लड़ने में मदद करता है। हिस्टामिन नाम के इस कंपाउंड की ही वजह से आपके शरीर में मच्छर जहां काटता है उस जगह पे खुजली होने लगती है और एक डॉट जैसा कुछ सूझ जाता है यानी कुछ सूज जाता है उस जगह पे, सूजन जैसा हो जाता है। यही वजह है कि मच्छर के काटने के बाद खुजली और सूजन क्यों हो जाती है स्किन पे। सो यह सब आपके शरीर के वाइट ब्लड सेल्स या तो कहूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से ही होता है। सो अब हम फाइनली जानते हैं कि हमें मच्छर क्यों काटते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है उन्हें काटने की और हमारा खून ही उन्हें क्यों चाहिए, क्या वह हमारे खून के बिना जिंदा ही नहीं रह सकते। सो चलिए अब जानते हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ जान लेते हैं
कि मच्छर कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं और कुछ लोगों को बहुत कम काटते हैं। तो आपने इसका जवाब कुछ लोगों से पूछा होगा तो आपको जवाब मिला होगा कि आपका खून बहुत ज्यादा मीठा है, इसीलिए आपको मच्छर काटते हैं। तो यह बात कहाँ तक सच है आज हम जान ही लेते हैं। एक रिसर्च के अनुसार मच्छर अगर आपको ज्यादा काटते हैं तो उसका कारण आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है, जैसे कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों को ए ब्लड ग्रुप वाले लोगों से ज्यादा मच्छर काटते हैं, वहीं बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को सामान्य तौर पर मच्छर मीडियम में ही काटते हैं। मच्छर ज्यादा काटने का कारण एक जगह हमारे खून में ज्यादा आइसोलेशन होने का भी होता है, यानी कि अगर आपके खून में ज्यादा आइसोलेशन है तो आपको मच्छर काट सकते हैं, इन कंपैरिजन ऑफ कम आइसोलेशन खून में होने के वाले लोगों से ज्यादा। फीमेल यानी मादा मच्छर को जिंदा रहने के लिए आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। आइसोलेशन इम्यूनो एसिड बनाने के लिए जरूरत होता है इसका। यह इम्यूनो एसिड जो है मादा मच्छर के अंदर प्रोटीन का प्रोडक्शन करने में बहुत जरूरी है, यानी ये नहीं होगा तो उनके अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं कारण है कि मच्छर हमें काटते हैं। ज़्यादातर जब हम सांस लेते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकाल रहे हैं वो मच्छरों को अट्रैक्ट करता है हमारे तरफ काटने के लिए। तो यह भी वजह हो सकती है कि आपको मच्छर क्यों ज़्यादा काटते हैं। जो आपके अंदर से पसीना रिलीज होता है, यानी जो आपको पसीना होता है वह यदि आपके शरीर में ज़्यादा हो रहा है तो आपको मच्छर ज़्यादा काट सकते हैं। यह इसलिए होता है कि पसीने के अंदर यूरिक एसिड और अमोनिया जैसे तत्व होते हैं और इन तत्वों के गंध से मच्छर जो है वो आकर्षित होते हैं आपकी तरफ। तो यह भी वजह हो सकती है कि आपको मच्छर क्यों ज़्यादा काटते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि आपने किस रंग के कपड़े पहने हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लाल, नीले, जामुनी जैसे रंगों पर मच्छर जो है वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ अदर कलर्स। चलिए अब जान लेते हैं कि मच्छर हमें काटते ही क्यों हैं। सो हमें फीमेल मॉस्किटोज ही काटती हैं, नर मच्छर नहीं काटते। नर मच्छर जो हैं वो पानी और नेक्टर पे भी जिंदा रह सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर पानी या नेक्टर पे जिंदा रह सकते हैं। मादा मच्छर भी रह सकती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रह सकती, लेकिन उन्हें हमारे खून की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब वह अंडे देना होता है उन्हें, तब उनको प्रोटीन चाहिए, कुछ खास तरीके का प्रोटीन जो हमारे ब्लड से ही उन्हें मिलता है, इसलिए वह हमारा खून पीती हैं। लाइफ में एक बार वह हमारा खून जरूर पीते हैं। एक रिसर्च से तो ये भी पता चला है कि जो मच्छर हैं वो अगर हमारा खून पी ले तो वो मर भी सकते हैं, मर जाते हैं जल्दी। इस रिसर्च के दौरान 3 कैटेगरीज बांटी गई। एक कैटेगरी में मच्छरों को है ना चीनी और खून का मिश्रण दिया गया, एक में खून ही दिया गया और तीसरे में खाली चीनी। सो आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिसको खून दिया गया था जिस कैटेगरी को, वो कैटेगरी के मच्छर सिर्फ 7 दिन सर्वाइव कर पाए और जिसको चीनी दिया गया था वो शायद ये 7 दिन से डबल या 3 गुना ज़्यादा 21 डेज के भी ऊपर सर्वाइव करे थे ये मच्छरों ने जिसको चीनी का लेप दिया गया था, और जिसको खून का दिया गया था वो बहुत जल्दी मर गए थे। सो हमारा खून उनके लिए हानिकारक भी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारा खून पीना छोड़ देंगे, नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि कितने मच्छर मिलके हमारा पूरा खून चूस सकते हैं, सो 12 लाख से भी ज़्यादा अगर मच्छर एक साथ मिलके हमारा खून पिए तो वो हमारा खून चूस सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो खून पीती है मच्छर वो है एशियन टाइगर मॉस्किटो, जो सबसे ज़्यादा खून पीती है। एक बार में यह जो 11 लाख यानी 12 लाख जो मच्छर थे वह एशियन टाइगर मॉस्किटोस मिलके 12 लाख अगर एशियन टाइगर मॉस्किटोस हमें काटते हैं तो हम समझ लीजिए ऊपर
आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो मच्छर है वो अपने वेट से 3 गुना ज़्यादा, यानी जितना उसका वजन है उससे 3 गुना ज़्यादा ब्लड सक कर सकते हैं एक बार में। जी हाँ, एक बार में अपने वजन से 3 गुना ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में शेयर करिए। लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।